यूपी के बनारस में नीतीश कुमार की जनसभा पर छाए संशय के बादल। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने लगाए बड़े आरोप, नीतीश कुमार के जनसभा को नहीं दी जा रही अनुमति। चौबीस तारीख की जनसभा थी और जहां पर जनसभा करने के लिए हम लोगों ने देखा किया था जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान, वहां पर पाँच दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहां पर आपको सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चलने की बात कही जा रही, चलाने की बात कही जा रही है, यानि उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है, उसको भयभीत किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, लोकतंत्र ख़त्म करना चाहती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सभा करने नहीं देना चाहती है। इससे यही प्रमाणित होता है, यही बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। और अब तो हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी की सभा उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जनता इजाज़त देगी तो सभा करेंगे और उसके लिए स्थान भी खोजने के लिए अपने साथियों को निर्देश दिया है। जब इजाज़त देगी तो जो स्थान मिलेगा उपयुक्त उस पर हम लोग सभा करेंगे। क्या 24 तारीख को ही जनसभा होगा इससे पहले? नहीं, अब तो 24 को नहीं होगा, अब 24 के बाद ही होगी। लेकिन पहले जनता से आप उनसे पूछा जाएगा, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा, वो इजाज़त उनसे लेने के बाद ही डेट तय करेंगे। और जगह चिन्हित करने के लिए साथियों को लगाया गया है, अगर वो कहेंगे तो जगह भी चिन्हित करके और फिर वहाँ पर हम लोग सभा करेंगे। मंत्री जी, 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया, लेकिन जो आप बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 370 सरकार में, तो पूरा लोकतंत्र ही खतरे में है, पूरा संविधान ही खतरे में है। ये बहुत बड़ी बात है और देश के जो लोग हैं बहुत चिंता में हैं कि अब ये लोकतंत्र ख़त्म होगा तो ये लोकतंत्र को बचाएगा कौन, इसको आगे कौन आएगा। और जब सभा करने पर रोकी जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 70 धारा नहीं, ये सारी धाराएं ध्वस्त होने वाली है। तो नीतीश कुमार जी ही विपक्ष के चेहरा होंगे मान लिया जाए, डर रही है बीजेपी जिस तरीके से? नहीं, चेहरा कौन होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो कदम बढ़ाया है और जिस तरीके से देश को के लोगों को सचेत करना है, देश के लोगों को अवेयर करना है, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। चुनाव कहाँ से लड़ सकते हैं? जो चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तब विस्तार से आपको बताएंगे कि किस सीट से हम लोग कहाँ से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, वो सब जवाब समय आने पर ज़रूर आपको दिया जाएगा और समय से पहले बताया जाएगा और बुला करके आमंत्रण देके बताया जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। सर, विधानसभा में एक चूक हुई है जिसको लेकर आज सदन में तो उसको लेकर आज भाजपा के या सपा के सभी लोग उसमें वो कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तमाम सवाल उठ रहे हैं विपक्षी पार्टियों। देखिए, घटना बहुत दुखद है, घटना बहुत निंदनीय है, उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। लेकिन आप सोच लीजिए कि 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा में देश के बेरोजगार नौजवान कूद रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि देश में न रोज़गार मिला, न देश में महंगाई कम हुई, न देश में भ्रष्टाचार कम हुआ और न देश में महंगाई और भ्रष्टाचार कम हुआ और देश को तानाशाह
प्रधानमंत्री मिला जिसके चलते हम इसमें कूदे हैं, जो बात सामने आई है। इसका सबसे बड़ा पंचायत में इनका कहाँ है शासन तंत्र, यहाँ कहाँ इनका प्रशासन तंत्र और इनके इनके प्रशासन तंत्र के लोग कहाँ थे। तो पूरी तरह से ये डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार फेल हो चुकी है। देश इनके हाथों में अब सुरक्षित नहीं।